आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज बिहार राज्य में मेरा गमन हुआ है और माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय संगठन महामंत्री जी और यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को आज हम सबने सुना है। विशेषकर से जिस प्रकार से आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार हम सबके माता पिता जब वो हमारे उम्र के थे, जो आपातकाल उन्होंने देखा है उसका जिक्र किया और संघर्ष के बाद किस प्रकार पुनः हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र को स्थापित किया, उसके विषय में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है मन की बात में। मैं आज बिहार की इस मिट्टी को नमन करता हूँ क्योंकि आपातकाल का एक बहुत बड़ा युद्ध, आपातकाल के विरुद्ध में जो आंदोलन आरंभ हुआ था वो इसी मिट्टी से आरंभ हुआ था। ये पावन मिट्टी है और इस मिट्टी से, जहाँ से लोकतंत्र का शंखनाद दोबारा हुआ है, मैं आज धन्य मानता हूँ कि मैं आज एक सांगठनिक कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, बल्कि उन्होंने स्टार्टअप की भी चर्चा की और हिंदुस्तान आज विगत केवल 3 वर्षों में यूनिकॉर्न अर्थात 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजनेस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। और हम एक तरफ इतिहास की में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको भी ना भूलें और भविष्य के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया कि आज स्पेस जैसे सेक्टर्स में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, वह अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यह बताता है कि 2047 का जो भारत होगा वह पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ और उन्नत भारत होगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस समय भारत के लोकतंत्र को उचक देने का प्रयास हुआ। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया। सेंसरशिप की 1975 की बात है, जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आप खेल लिया गया था। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।